अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैंने इन दिनों सुना, मेरे घर में ये चर्चा चल रही थी कि ऑफिस में सब नए आ गए हैं। अब कोई पुराना इंसान कभी मिलता है तो वो जानता नहीं है कि कौन आया है, मतलब सब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। नए नए चेहरे आ गए हैं ऑफिस में, बिल्कुल सब कुछ चेंज हो गया माहौल। जैसे पुराने दो लोग मिलते थे तो वो पुरानी चर्चाएँ करते थे, लेकिन अब नए फेस आ गए, नई चीज़ें हो रही है, नए पर्सनैलिटीज़ आ गई है, न्यू एनर्जी आ गई है। वैसे ही आपको अपने दिमाग में जो आपके पुराने पास्ट थॉट्स हैं, जो मतलब ऐसे थॉट्स हैं कि जिनको सोचते हैं आप तो बहुत नेगेटिव फील होता है, या फिर जिनको सोचने से ऐसा लगता है कि यार कोई कसक है दिल में, लेकिन आपको उनको रिप्लेस करना है नए विचारों के साथ। जैसे ऑफिस में नए लोग आ गए, न्यू एनर्जी आ गई है, काम जल्दी जल्दी होगा। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि पुराने लोग थे तो कोई अच्छी मतलब एनर्जी नहीं थी। देखिए, हर चीज़ की कोई ना कोई वैल्यू होती है, तो उसी तरीके से जो पुराने विचार थे उनके साथ आपने इतना जीवन जी लिया, अब नए विचार लाने हैं आपको। आज से ही ये मिशन है आपका, न्यू विचार होने चाहिए, एकदम ऐसी सोच होनी चाहिए कि हाँ, उस सोच में कोई बात होनी चाहिए, आपको सुनने के लिए लोग क्रेव करें, क्रेविंग होनी चाहिए लोगों को आपकी वाइब्स की। और वो क्रेविंग कब होगी? जब आप पुराने जो एकदम ऐसे विचार हैं जो मतलब आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जिसको देख के मतलब कभी कभी मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं, इवन मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं यार हमसे कोई बात ही नहीं करता, यार हम उससे बात कर रहे हैं वो हमें टाइम नहीं दे रहा कोई इंसान, यार मैं मतलब क्यों नहीं दे रहा, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपको देख के ऐसा लगता है कोई नेगेटिविटी का फ्लड आ रहा है, तो आपने वो अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बना रखी है। वो दूसरा आदमी क्या भाग रहा है, मैं तो खुद ही सोच रही हूँ मैं भी भाग जाऊँ, क्योंकि कोई भी इंसान नेगेटिव इंसान के साथ रहता है तो उसे ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा नेगेटिव खुद को फील होता है, जैसे उसकी वाइब्स आ रही है खुद की लाइफ में। इसलिए आपको अपने विचारों में एक नयापन लाना है। देखिए, सादगी से तो जीना है, लेकिन वो नयापन होना चाहिए विचारों में, और विचारों में नयापन आएगा ना तो लाइफ में अपने आप ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा। कहते हैं ना डॉक्टर्स कि इनको थोड़ा नया माहौल चाहिए, इन्हें कहीं पहाड़ों पे ले जाइए, कोई ऐसी जगह ले जाइए जहाँ ये अपने गमों को भूल जाएं, जहाँ ये अपने दर्द को भुला पाएं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि मन के अंदर पुरानी चीज़ें ही घूमती रहेंगी तो फिर नयापन कैसे आएगा। देखिए, इतनी अच्छी चीज़ तो डॉक्टरों ने ही समझा दी हमें। चलिए, चलती हूँ मैं, अब लाऊंगी आपके लिए फिर से कोई न्यू टॉपिक, कोई नई बातें, कुछ नया। इसी के साथ धन्यवाद।